हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया अपने फिजिक्स टॉपिक वन का, दैट इज रोटेशनल डायनेमिक्स। आज से सेकेंड चैप्टर की सीरीज स्टार्ट हो रही है और सेकेंड चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में लास्ट ईयर एक चैप्टर था सरफेस टेंशन, वो प्लस 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में लिक्विड पार्ट जितना था उस पार्ट को उठा के और 12th सिलेबस का सरफेस टेंशन उठा के जो बोर्ड के बुक में इस साल न्यू चैप्टर नंबर 2 बनाया गया है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में सबसे पहले हम लोग को देखना है कि अगर लिक्विड स्टैटिक कंडीशन में है, दैट इज रुका हुआ है, तो उस टाइम पे उसकी स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट होगा चैप्टर का, सेकेंड पार्ट में हम लोग को जो स्टडी करना है दैट इज सरफेस टेंशन के बारे में, लिक्विड की प्रॉपर्टी है। थर्ड टॉपिक जो स्टडी करना है अगर लिक्विड मोशन में है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक फर्स्ट टॉपिक, सरफेस टेंशन सेकेंड टॉपिक, एंड थर्ड टॉपिक इज हाइड्रोडायनेमिक। मीन्स अगर लिक्विड अगर मोशन में है तो उस टाइम पे उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट टाइम पास ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना है, चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, तो सबसे पहले देखना है कि फ्लूइड क्या होता है, ये फ्लूइड क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैसा होता है, क्या इसमें बिहेवियर होता है, ये सब हम लोग इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, सब डील करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो फ्लूइड वो चीज है जो मोशन करती हो, ठीक है। द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं एयर, तो एयर क्या है, वो फ्लो करती है, तो फ्लूइड है। सेकेंड लिक्विड, लिक्विड फ्लो करता है तो वो क्या है, फ्लूइड है। प्लाज्मा फ्लो कर सकते हैं, वो क्या है, वेपर्स फ्लो कर सकते हैं, तो वो क्या है, फ्लूइड है। द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, द सब्सटेंस, तो यहां पे मैं सीक्वेंस स्टार्ट करता हूं चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्लूइड। फ्लूइड पे हम लोग देखते हैं, देखिए द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, सब्सटेंस विच कैन फ्लो कॉल्ड एज, व्हाट वी कॉल्ड, फ्लूइड। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे फ्लूइड में एयर, लिक्विड, प्लाज्मा एक्सेट्रा, ठीक है, ये हो गया फ्लूइड क्या होता है। अब देखना है हम लोग को, फ्लूइड अगर है, अगर एयर है, हम लोग के बाजू में फ्लूइड है, वाटर है, ऑयल है, तो ये सब चीजें फ्लो कर सकती है, अगर फ्लो कर सकती है तो ये सब क्या है, फ्लूइड है। ओके, अब देखते हैं हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। आइडियली अगर मैं बोलूं फ्लूइड तो वो क्या होना चाहिए, तो उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस पे डील करते हैं। सुना, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड्स। ओके, नंबर वन, तीन से चार इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेके करके देखते हैं। नंबर वन, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल मीन्स इसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, जिसे मैं इतना अमाउंट लेता हूं, तो ऐसा नहीं कि इसमें जितने अमाउंट, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने मास है, कितने नंबर से उसके, एवोगाड्रोस प्रिंसिपल से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी किसी भी लिक्विड की क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ऐसा नहीं कि मैंने उसको प्रेस कर दिया कम हो गया तो लिक्विड उसकी डेंसिटी चेंज हो गई, ऐसा नहीं होगा बेटा। तो किसी भी लिक्विड की सबसे पहली आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ये होनी चाहिए कि उसकी डेंसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, दैट मींस इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, दैट इज डेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल, कॉम्प्रेसिबल सिबल, दैट इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी डेंसिटी क्या होना चाहिए, डेंसिटी को मैं रो से डिनोट कर रहा हूं, लिखूंगा नहीं, डेंसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर टू, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर टू, इट इज इनरोटेशनल। व्हाट डू मीन बाय इनरोटेशनल, इनरोटेशनल का मतलब क्या है कि ये स्मूथ फ्लो होना चाहिए। हम लोग ने देखा होगा जो पॉन्ड होते हैं,
तालाब होते हैं, नदी होती है, उसमें चलते 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 पानी कभी कभी क्या होता है अपनी जगह घूमना चालू कर देता है, राउंड 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 सर्कल, लाइक ए वर्लपूल, है ना। तो वैसा फ्लो नहीं होना चाहिए आइडियल लिक्विड में, बट प्रैक्टिकल में ऐसा होता है, रियल लाइफ में ऐसा होता है कि लिक्विड फ्लो करते करते राउंड होने लगता है, और जो राउंड होने का प्रोसेस है उसके फ्लो में जो चेंजेस आ जा रहा है उसको बोलते हैं टर्बुलेंस, ठीक है। तो सेकंड, इट इज इनरोटेशनल, इनरोटेशनल होना चाहिए, इसका मतलब क्या, इट्स फ्लो शुड बी स्मूथ एंड इट इज नॉट टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्या होता है इस पर हम लोग डील करेंगे जब डायनेमिक्स पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा लिक्विड का, फिलहाल हम लोग का स्टैटिक पार्ट पे डील करना है, फिलहाल तो हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल फर्स्ट थिंग, सेकंड आ गई इट इज इनरोटेशनल। इनरोटेशनल दैट इज, इनरोटेशनल का मीनिंग क्या है, इट्स फ्लो शुड नॉट बी टर्बुलेंस, इसका फ्लो क्या नहीं होना चाहिए, टर्बुलेंस मीन्स घुमाव जैसा नहीं होना चाहिए इसके फ्लो में। नंबर थ्री, इट इज नॉन विस्कस। अब विस्कोसिटी क्या है ये भी हम लोग को चैप्टर में डील करना है, बट डायनेमिक्स पार्ट में डील करना है, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। मान लीजिए ये इंक्लाइन सर्फेस है, यहां पे मैं पानी डालता हूं, क्या होगा, स्मूथली चले जाएगा। उसके बाद मैं ऑयल डालता हूं, थोड़ा सा उसका फ्लो एज कंपेयर टू वाटर कम होगा, ठीक है। हनी डालता हूं तो और भी थोड़ा कम होगा, लेकिन तीनों है क्या, लिक्विड, लेकिन तीनों के फ्लो में क्या है, फ्रिक्शन है, एक फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या इंडिकेट करती है, द फ्लो, जो अगर लिक्विड के फ्लो में कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी, वो प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग अपना चैप्टर आगे डायनेमिक्स पार्ट में पहुंचेंगे। फिलहाल इट इज नॉन विस्कस, नॉन विस्कस होना चाहिए, इट इज नॉन विस्कस। बेटा नॉन विस्कस मीन्स फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, निग्लेक्ट होना चाहिए, फ्रिक्शन को हम लोग निग्लेक्ट करेंगे, देयर इज नो फ्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ द लिक्विड। एंड लास्ट वन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स फ्लो शुड बी स्टेडी, उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, स्टेडी मीन्स कंटिन्यूअस फ्लो होते रहना चाहिए, एक के पीछे, जैसे मिलिट्री वाले होते हैं कंटिन्यूअसली सबके सब एक के पीछे एक चलते रहते हैं, वैसे जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो भी क्या होंगे, एक के बाद कंटिन्यूअसली सीरीज में चलते रहेंगे। तो लास्ट प्रॉपर्टी है इट्स फ्लो शुड बी क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस, इट्स फ्लो शुड बी कंटिन्यूअस और स्टेडी, ठीक है। तो हम लोग ने चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, दो सब्सटेंस क्या कर सके, फ्लो कर सके, एग्जांपल दिए एयर एंड लिक्विड। उसके बाद क्या बताया, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला इनकॉम्प्रेसिबल, डेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट, सेकंड इनरोटेशनल, नो टर्बुलेंस, सबके सब स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रीम लाइन फ्लो उसको बोला जाता है, नेक्स्ट नॉन विस्कस, देयर इज नो फ्रिक्शन इन द फ्लो, लास्ट इट शुड बी स्टेडी, उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, ताकि वहां पे कोई भी फ्रिक्शन ना हो और वो कंटिन्यूअसली चलता चले जाए। ओके, ये तो कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, आइडियल, लेकिन हम लोग को पता है कि दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है, अगर आइडियल नहीं होती तो इसकी प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड देखते हम लोग क्या है, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे डो नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, चेंज इन शेप एंड साइज को अपोज नहीं करते। जैसे मैं ग्लास में डालता हूं वॉटर को, क्या होगा, ग्लास का शेप, बकेट में डालता हूं बकेट का शेप, किसी भी कंटेनर में डालता हूं उसका शेप, मतलब वो अपोज नहीं कर रहा है किसको, डिफॉर्मेशन को, उसके शेप और साइज में जो भी चेंज आएगा लिक्विड अपने आप उसमें सेटल हो जाता है, दैट मीन्स इट डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। नंबर वन, इट डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, चलो इसका टेम्परेचर चेक करना, डिफॉर्मेशन, इट डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दैट मीन्स दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड, दैट मीन्स दैट इज दे गेट परमानेंटली
परमानेंटली व्हाट डिफॉर्म्ड ओके ठीक है नंबर सेकंड पहला कि अपोज नहीं करेगा किसको अपोज नहीं करेगा बेटा किसको अपोज नहीं करेगा डिफॉर्मेशन को उसमें आने वाले चेंज को अपोज नहीं करेगा जो भी उसका जो भी चेंजेस लाना है जो भी उसका शेप और साइज चाहिए वो शेप में वो आ जाता है सेकंड दे हैव एबिलिटी टू फ्लो दैट मींस अगर कोई फ्लूइड है तो वो फ्लो होता होगा ऐसा कभी नहीं होता ना एयर आके रुक गई वाटर कभी कहीं पे रुक गया ऐसा नहीं होता वाटर अगर सरफेस पे है तो मूव करता रहेगा उसके मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं मूव करते रहते हैं तो ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी कि दे हैव एबिलिटी टू फ्लो नेक्स्ट दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे हैव एबिलिटी टू टेक शेप ऑफ कंटेनर दैट दे आर इन दैट They are in. Okay. तो यहाँ पे तीन characteristics देगी. Number one, they do not oppose deformation. Means उसमें आने वाले change को वो easily adopt कर लेता है. Next one, they have ability to flow. Flow करते रहेगा liquid. Next one, they have ability to take the shape and size of the container. Okay. तो ये हम लोग की basic बात हुई liquid के बारे में, fluid के बारे में कि fluid होता क्या है, उसकी characteristics क्या होती है. Chapter का first topic मैं start करता हूँ. जहां पे हम लोग को स्टडी करना होगा अगर कोई फ्लूइड अगर कोई लिक्विड रुके हुए कंडीशन में है स्टैटिक कंडीशन में है तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं ठीक है तो सबसे पहला टॉपिक जो है बेटा वो है हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोस्टैटिक्स मींस फ्लूइड एट रेस्ट इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of what? It is branch of physics which deals with the study of fluid when it is at rest. ये हम लोग का first topic है chapter का मतलब यहां से आगे मैं जो भी चीज आपको पढ़ाऊंगा तब तक मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा कि जब जब लिक्विड रेस्ट पे होगा तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर होंगे और उसके बाद हम लोग सरफेस टेंशन करेंगे और लास्ट में हाइड्रोडायनेमिक्स कराऊंगा हाइड्रोडायनेमिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि अगर लिक्विड मोशन में है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पॉइंट्स क्या क्या होते हैं ठीक है तो अब चैप्टर का सबसे पहली चीज स्टार्ट कर दे दैट इज प्रेशर ये हम लोग की बेसिक बातें हो गई अब आ गया हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेशर प्रेशर क्या होता है कोई भी फ्लूइड अगर हवा है हवा अगर यहां से वहां जा रही है तो ये वॉल पे क्या अप्लाई करेगी जाने के बाद प्रेशर अप्लाई करेगी अगर लिक्विड है लिक्विड मॉलिक्यूल्स को मैं ऐसे फेंकता हूं तो वो दीवार पे क्या अप्लाई करते हैं प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर होता क्या है नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया कॉल्ड एज प्रेशर ठीक है It's not force per unit area. It's a normal force per unit area. It's a normal force exerted by fluid per unit area. It's called as pressure. क्यों? क्योंकि मैं rest की बात कर रहा हूँ बेटा पहले याद रखना. मैं rest की बात कर रहा हूँ. इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि normal force. वो भी बताऊँगा क्यों normal force है. Okay. It may be defined as the normal force. Applied by fluid per unit area, ठीक है ये इसका डेफिनेशन हो गया किससे डिनोट करते हैं बेटा हम इसको इट इज डिनोटेड बाय पी एंड गिवन एस पी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा एफ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एरिया एफ कैसा होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए पर यूनिट एरिया मान लेते हैं ये कोई एक सरफेस एरिया है इसका एरिया ए है इस पे ये लग रहा है फोर्स कैसा होना चाहिए ऑलवेज परपेंडिकुलर अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो उसके कंपोनेंट निकालो ठीक है और वो फोर्स हम लोग को कंसीडर करना है ठीक है व्हाट अबाउट द यूनिट ऐसा यूनिट क्या है बेटा इसका ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इट इज पास्कल
ठीक है, या फिर डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके और भी यूनिट्स होते हैं, इसके और यूनिट्स का नाम है बेटा बार। 1 बार इज इक्वल टू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 हेक्टा बार इज इक्वल टू 1 हेक्टा बार इज इक्वल टू 10^100 पास्कल। हेक्टा बार भी एक टाइप का यूनिट है, किसका? प्रेशर का। ओके, व्हाट अबाउट डायमेंशन? डायमेंशन इसका आ जाएगा सॉल्व करने पे m1 l-1 t-2, ठीक है। एंड लास्ट वन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है ये भी हम लोग समझेंगे। फिलहाल ये स्केलर क्वांटिटी, ये मैंने आपको प्रेशर के बारे में बता दिया। अगर आपको क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप आराम से इसको इतना डिटेलिंग में लिख सकते हैं। अब देखिए प्रेशर होता क्या है, प्रेशर किस पे डिपेंड है? फोर्स पे डिपेंड है और एरिया पे डिपेंड है। मान लीजिए मैं एक सूटकेस ले लेता हूँ, या फिर कोई एक ब्रीफ केस ले लिया, या फिर सूटकेस ले लिया जो कि मैंने अपने हाथ में लिया है, ठीक है, या फिर कोई भी कैरी बैग जो मैंने अपने हाथ में लिया है। अच्छा, कैरी बैग के ऊपर एक कैरी करने के लिए छोटा सा हैंडल होता है, ठीक है। कितना वेट इस सूटकेस का डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं बोलूंगा एम जी। अच्छा, मैंने अपने हाथ से इसको पकड़ा हुआ है, अपने हाथ से इसे पकड़ा हुआ है, तो मेरे हाथ की उंगलियों पे जैसे जैसे वो वेट नीचे लगते जा रहा है, मेरे हाथ की उंगलियों पे क्या लगते जा रहा है? फोर्स लगते जा रहा है। कितना? और रुका हुआ सूटकेस, ऐसा नहीं ना कि ऊपर नीचे हो रहा है, तो नीचे जितना फोर्स लग रहा है ऊपर भी उतना ही फोर्स लग रहा है। नीचे कितना लग रहा है? एम जी। तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, मेरे ऊपर के हाथ पे भी कितना लगता रहेगा? एम जी। बट यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, जो स्ट्रिंग जो कनेक्टेड है छोटा सा, जिसको मैंने पकड़ा हुआ है हैंडल, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? बहुत छोटा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है, तो इसकी वजह से प्रेशर क्या लगता है मेरे हाथ पे? बहुत ज्यादा लगता है। इसके लिए जब मैं छोटे से हैंडल का सूटकेस अपने हाथ में लेता हूं, तो उस टाइम पे कुछ टाइम बाद मेरे हाथ, मेरे उंगलियों में दर्द होने लगे और मैं उस सूटकेस को नीचे रख देता हूं। लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से समझते, मान लो ये ऐसा और ये सूटकेस पे ऐसा वाला बैंड है। अब देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, बड़ा है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है। अभी भी अगर मैं फोर्स की बात करूं तो अभी भी mg लग रहा है, ठीक है, और मेरे हाथ पे भी कितना लगता रहेगा? mg। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? अब बढ़ गया है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया है, तो मेरे हाथ पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा? कम। तो मेरी उंगलियों में जो स्ट्रेस होगा, जो मेरी उंगलियों पे प्रेशर लगेगा, वो क्या होगा एज कंपेयर टू ये वाले केस? कम होगा। इसके लिए मैं ज्यादा टाइम तक हैंडल को, मैं सूटकेस को अपने हाथ में रख सकता हूं। तो यहां से एक चीज ये क्लियर होती है कि प्रेशर क्या सिर्फ फोर्स पे डिपेंड होता है? आंसर इज नो। प्रेशर फोर्स पे तो डिपेंड होता ही है, और साथ ही साथ डिपेंड करता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने, एरिया ऑफ सरफेस मैंने कितना लिया है। अगर एरिया ऑफ सरफेस बहुत ज्यादा रहेगा, तो इसका मतलब प्रेशर बहुत कम है, और एरिया ऑफ सरफेस कम रहेगा, इसका मतलब प्रेशर क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये होते हैं हमारी प्रेशर की बातें। ओके, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रेशर। अगर प्रेशर है तो क्या एक फ्लूइड भी प्रेशर अप्लाई कर सकता है? आंसर इज यस। अगर फ्लूइड प्रेशर अप्लाई कर सकता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हम लोग डिराइव करते हैं। आओ, ओके, आप देखते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोग को और भी यहां पे बताना चाहिए था। देख लीजिए, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाई प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी? सपोज दिस इज अ लिक्विड, ठीक है, वी आर कंसीडरिंग दिस लिक्विड इन अ कंटेनर। यहां पे एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, बताओ ये किस डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करेगा? क्या इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा? परपेंडिकुलर। यहां पे अगर प्रेशर अप्लाई करने बोलूं तो कहां अप्लाई करेगा? नीचे। यहां पे अप्लाई करने बोला जाए कहां अप्लाई करेगा? यहां, इस तरफ, यहां, इस तरफ, यहां, इस तरफ, यहां। लेकिन अगर मैं सरफेस की बात करूं तो क्या ऐसे होगा ये? अब देखो यहां पे इसका डायरेक्शन कहां है? यहां है। यहां पे इसका डायरेक्शन कहां है? सॉलिड पे। यहां है। यहां पे इसका डायरेक्शन कहां है? यहां है। एक चीज क्लियर हो रही है कि इसके पास डायरेक्शन तो है और मैग्नीट्यूड भी है, तो सर वेक्टर होना चाहिए। नहीं, ये स्केलर है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज।
तो ऐसी चीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो लेकिन डायरेक्शन फिक्स हो, डायरेक्शन चेंज ना हो, तो उसको बोला जाना चाहिए कोई तीसरी क्वांटिटी। लेकिन प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सिर्फ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस एरिया। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। प्रेशर ऑफ ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, आइए प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है। एक बीकर ले लिया, कंसिडर बीकर विच कंसिस्ट ऑफ लिक्विड हैविंग डेंसिटी टू। एक बीकर ले लिया है हमने, इसके अंदर लिक्विड है, इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी रो है। एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर किया है, सिलेंड्रिकल सरफेस, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और जिसकी हाइट कितनी है एच, जो कि लिक्विड के अंदर है। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि लिक्विड का इस सरफेस पे प्रेशर कितना होगा, ठीक है। कंसीडर अ कंटेनर अ बीकर विच हैज द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, कंसीडर अ कंटेनर इमेजिनरी कंटेनर इनसाइड द लिक्विड हैविंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड हाइट h एज शोन इन डायग्राम। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द इमेजिनरी सिलेंडर इज गिवन एज, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, स्टार्टिंग के दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए। नंबर 3, फर्स्ट पॉइंट कंसीडर अ बीकर which consist of the liquid having density rho. Second, consider an imaginary cylinder of area of cross section A, height h inside the liquid. Okay. Pressure exerted by, point number 3, pressure exerted by the liquid on the cylinder is given as, pressure is equal to force upon area. Pressure is equal to force upon area. But what is your force? Force ka formula kya hota hai? Force ka formula hota hai beta mass into gravity, m into g. सबको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन कितना है ये लिक्विड का नीचे के डायरेक्शन में mg। अगर ये चीज अगर मैं पुट अप कर दूं तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m into g डिवाइडेड बाय एरिया। बट एज वी नो मास क्या होता है बेटा आपका, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा यहां पे वॉल्यूम कितना है बेटा, बट वॉल्यूम देखो यहां पे, सिंस वॉल्यूम इज व्हाट, डायग्राम से वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू हाइट, वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू हाइट। अगर ये चीज मैं पुट अप कर दूं तो एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी विल बी योर मास। अगर मैं मास की जगह ये चीज पुट अप करूं तो प्रेशर क्या आ जाएगा बेटा, ए एच रो जी डिवाइडेड बाय ए, ए एंड ए कैंसिल आउट, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। देयरफॉर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द यहां पे इमेजिनरी क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर, तो ये बताया मैंने आपको एक तरीका कि प्रेशर कैसे निकाला जाए। प्रेशर इस पे डिपेंड है, एरिया पे डिपेंड नहीं है इमेजिनरी सिलेंडर के, वो किस किस चीज पे डिपेंड है वो हम लोगों ने देख लिया। वापस से कंसीडर एक लिक्विड कंटेनर ले लिया जिसके अंदर लिक्विड है, जिसकी डेंसिटी रो है, उसके अंदर एक मैंने इमेजिनरी सिलेंडर लिया जिसकी हाइट h है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। यहां पे मैंने निकाला प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बट व्हाट इज योर फोर्स, फोर्स इज नथिंग बट mg, mg पुट अप करने के बाद यहां पे देखो मास को निकाला जा सकता है। मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, एरिया इनटू हाइट, और ये पुट अप करने के बाद क्लियर आ जाओ। अब देखना है हम लोग को यही चीज, यही डेरिवेशन अगर हम दो किसी पॉइंट डिफरेंस पे निकालें, जैसे कि प्रेशर क्या सिर्फ लिक्विड कॉलम ही अप्लाई करेगा, आंसर इज नो, तो कौन अप्लाई करेगा, फ्लूइड अप्लाई करेगा, ठीक है। तो फ्लूइड में क्या एयर फ्लूइड है, आंसर इज यस। अगर एयर फ्लूइड है विद ग्रेविटी देखते हैं अब इसको, या फिर प्रेशर डिफरेंस देखते हैं, प्रेशर डिफरेंस
डिफरेंस। ठीक है, क्या प्रेशर सिर्फ लिक्विड अप्लाई करता है? आंसर इज नो। तो प्रेशर कौन अप्लाई करता है? सर प्रेशर लिक्विड भी अप्लाई कर सकता है और एयर भी अप्लाई कर सकती है। ओके, अगर प्रेशर लिक्विड भी अप्लाई कर सकता है, एयर भी अप्लाई कर सकती है, तो एयर कहां से कहां तक प्रेशर अप्लाई करती है? मान लिया कि ये हम लोगों का कौन सा है, लिक्विड का सरफेस है, इसके ऊपर बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कितने किलोमीटर तक? हम लोग के कंसिडरेशन के लिए हम लोग सपोज करते हैं कि 8 किलोमीटर ऑन अबव द लिक्विड सरफेस, सी सरफेस जो है उसके 8 किलोमीटर ऊपर तक एयर कॉलम है, और वो एयर कॉलम क्या करता है, एक नॉर्मल प्रेशर अप्लाई करता है किस पे, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ द सी। तो ये जो प्रेशर होता है जो एयर अप्लाई कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या नाम है इसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर अप्लाइड बाय द एयर कॉलम प्रेजेंट ऑन अबव द लिक्विड सरफेस कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितने किलोमीटर तक एक्सटेंड है? 8 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। अच्छा, इस एटमॉस्फेरिक वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। तो इसका क्या कोई फिक्स वैल्यू है? यस, इट इज 1.013 × 10⁵ पास्कल। इफ यू वांट टू रिमेंबर, ये आपको वैल्यू याद रखना चाहिए, 1.013 × 10⁵ पास्कल। ये किसका प्रेशर है? दिस इज द प्रेशर ऑफ एयर कॉलम व्हिच इज प्रेजेंट ऑन अबव द लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड सरफेस के ऊपर जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते हैं। अच्छा देखो, प्रेशर नॉर्मल है क्या? यस। ये लिक्विड का सरफेस कैसा है? क्या स्टेशनरी है? हाँ। तो ये प्रेशर मान लिया जाए कि अगर ये फोर्स ऐसा लग रहा था, तो इसके दो कंपोनेंट, ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ये मान लिया फोर्स है, तो ये क्या आ जाएगा, एफ का कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा आपका, एफ का साइन थीटा। बराबर। ये फोर्स क्या कर रहा है? इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, लेकिन ये फोर्स क्या कर रहा है? इसको चलाने का काम कर रहा है। अगर ये वाला फोर्स चलाने का काम कर रहा है, बट लिक्विड क्या है आपका, रेस्ट पे है। अगर लिक्विड रेस्ट पे है, तो उस पे लगने वाला फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, क्योंकि चलना नहीं चाहिए। इसका मतलब कॉस थीटा कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कॉस थीटा मतलब थीटा कितना होना चाहिए? कॉस इनवर्स ऑफ जीरो। कॉस का वैल्यू जीरो कब होता है? 90 डिग्री पे। मतलब ये बेटा आपका थीटा कितना होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब अगर लिक्विड रेस्ट पे है, तो उस पे लगने वाला प्रेशर इज ऑलवेज कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये जो एयर कॉलम जो लिक्विड के सरफेस पे जो फोर्स ऑफ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसका नाम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, और उसका वैल्यू होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल। अच्छा, ये वैल्यू निकाला कैसे गया, ये भी हम लोग डील करेंगे यहां पर। ठीक है, आइए कंसीडर अ वेसल व्हिच हैज द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। लेट अस कंसीडर एन इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ मास m इनसाइड, एक सॉलिड सिलेंडर लिया जो कि अंदर की तरफ है, ठीक है, इनसाइड द लिक्विड। अब देखो इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा बेटा, F1। कौन अप्लाई करेगा? द लिक्विड विच आर प्रेजेंट ऑन अबव दिस सरफेस। इस पे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? F2। कौन अप्लाई करेगा? द लिक्विड विच आर प्रेजेंट ऑन अबव दिस सरफेस। प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर कौन अप्लाई करेगा इस पे? ये सरफेस पे प्रेशर जो ऊपर रहेगा वो प्रेशर अप्लाई करेगा। ध्यान से समझना, इस पे फोर्स कितना लग रहा है ये सरफेस पे, ये सरफेस, इस पे प्रेशर कितना लग रहा है, वो प्रेशर अप्लाई करेगा जो ऊपर है। इस पे कितना लग रहा है? उतना लग रहा है। अच्छा, इसका फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, इसके फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है, राइट है? क्यों? क्योंकि जब कोई भी चीज को अंदर डालते हैं, तो उस पे नीचे से भी एक फोर्स लगता है। ओके, अब मान लो ये इसका मास कितना है mg, तीन फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, कौन कौन से? एक लग रहा है F1 जो कि टॉप सरफेस पे लग रहा है, एक लग रहा है F2 जो कि लोएस्ट सरफेस पे लग रहा है, एक लग रहा है mg दैट इज द वेट ऑफ दिस कॉलम। ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, क्लियर? ओके, अब देखते हैं। ओके, देखो ये ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं इस पे। एक बार वापस से मैं बताता हूं, consider a vessel which has the liquid of density rho, density rho is key. Okay, let us consider an imaginary cylinder of mass m present inside the liquid. Okay, there are three forces acts on the solid cylinder, number one F1,
वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर, F2 वर्टिकली अपवर्ड्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द सिलेंडर, एंड वेट mg दैट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. क्लियर? क्लियर. ओके. लेकिन ये सिलेंडर मान लिया यहां पे जाके रुक गया. अब देखो इस पे प्रेशर कहां कहां से लगता होगा. मान लिया जाए कि ये यहां से लेके यहां तक की आपकी हाइट है x1. दिस इज योर हाइट x1. x1 इज द हाइट ऑफ टॉप सरफेस ऑफ सिलेंडर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड. ठीक है? और ये हाइट मान लिया हम लोग की कितनी है आपकी, ये हाइट है आपकी x2. दिस इज योर x2. क्लियर है? तो अगर मैं पूछूं कि इसकी हाइट का वैल्यू कितना होगा, तो इसकी हाइट का वैल्यू डायग्राम से कितना मिल रहा है आपको, दैट इज x2 माइनस x1. क्लियर है सब लोगों को? x2 माइनस x1, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड. हाइट ऑफ द सिलेंडर प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड. ओके. अब देखते हैं F1 फोर्स लग रहा है नीचे, F2 फोर्स लग रहा है ऊपर, mg लग रहा है नीचे, सिलेंडर है रेस्ट पे, तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी सिलेंडर इज एट रेस्ट तो इसका मतलब क्या है, टोटल अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होना चाहिए बेटा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होना चाहिए. अच्छा, टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है? अपवर्ड फोर्स सिलेंडर पे कौन कौन सा लग रहा है सर? ओनली F2 लग रहा है. टोटल डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है सर? बेटा दोनों लग रहा है, F1 भी लग रहा है और mg भी लग रहा है. क्लियर? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. कीप एज इट इज, वी विल कम ऑन इट. ठीक है. प्रेशर का फॉर्मूला क्या देखा हमने? अच्छा, अब देखो समझो, ये वाले सरफेस पे प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है? जैसे मैं मान लेता हूं लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड का सरफेस है, इसके अंदर कोई चीज यहां पे है. ठीक है? तो ये टॉप वाले सरफेस पे प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है? ये जो इसके ऊपर प्रेजेंट है, इस सरफेस के ऊपर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे. अगर इस पे पूछो कितना प्रेशर लग रहा है, तो इस सरफेस के ऊपर जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे. क्लियर? ओके. हम लोग को पता है प्रेशर P1, यहां पे मान लिया कि प्रेशर P1 है और यहां पे आपने मान लिया कि प्रेशर P2 है. ठीक है? दिस इज योर प्रेशर P1 एंड दिस इज योर प्रेशर P2. अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स अपॉन एरिया. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है. Therefore, pressure will be equal, force will be equal to pressure into area. And P2 is equal to क्या मिलेगा बेटा? F2 divided by A. तो F2 is equal to P2 into area. So this is your F1, this is your F2. Okay. एक चीज और है इसमें. Equation number this is 2, this is 3. Now, what is your mass? mg. mg कैसे निकाला जाए? Mass क्या होता है? सबको बताया मैंने पिछले डेफिनेशन में, इट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी. अच्छा, अब मैं देखूं ये डायग्राम से, बताओ ये mg किसका है? इसका है. इसकी डेंसिटी मान लिया हमने यहां पे लिक्विड कॉलम है, तो इसकी डेंसिटी मान लिया रो. इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा? वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा एरिया इनटू हाइट, एंड हाइट इज नथिंग बट x1 माइनस x2. x2 माइनस x1. क्लियर है? यहां पे निकाल के रखते हैं. यहां लिख दूंगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू x2 माइनस x1 इंटू जी. दिस इज नथिंग बट mg, इक्वेशन नंबर 4. ओके. अब एक काम करो, सब वैल्यूज पुट अप कर दो. पुट इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 इन 1. अगर मैं पुट अप करता हूं तो क्या मिलेगा हम लोग को? देखो, पुट अप करेंगे ये हो जाएगा p2 इंटू a, दैट विल बी p1 इंटू a प्लस रो इनटू ए इनटू x2 माइनस x1 टाइम्स टू द जी. दिस एरिया एंड एरिया कैंसिल आउट ईच अदर. p1 प्लस रो इनटू x2 माइनस x1 इनटू जी. दिस इज द प्रेशर एट एनी पॉइंट. इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर प्रेशर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा ये. ठीक है? और x2 माइनस x1 की जगह मैं h भी लिख सकता हूं. अब मान लिया जाए केस नंबर 1, इसमें दो केसेस मैं ले लेता हूं. अगर मान लिया जाए कि ये वाला सरफेस यहां नहीं होके सीधा ऑन द सरफेस होता, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा होता. ये मान लिया जाए कुछ ऐसे सरफेस पे है, क्या ये सिलेंडर ऐसा होता? ये आपका यहां तक हाइट कितनी थी? x2 थी. तो क्या मैं x2 की जगह h लिख सकता हूं हाइट, x1 की जगह 0 लिख सकता हूं?
क्या ऊपर लगने वाला फोर्स F1 है, नीचे लगने वाला फोर्स F2 है, यहां का प्रेशर P1 था और P1 इस पे जो प्रेशर लगेगा वो कौन अप्लाई कर रहा है, वो एटमॉस्फेयर अप्लाई कर रहा है, दैट मींस P0। और नीचे की तरफ मान लिया यहां पे जो प्रेशर रहेगा वो मान लीजिए P2, ठीक है। अगर ये सब पैरामीटर x2 is equal to h, x1 is equal to 0, p1 is equal to p0 और p2 is equal to p, अगर मैं ये पुट अप कर दूं तो लिक्विड के सरफेस से किसी भी डेप्थ नीचे जाने पे प्रेशर का फॉर्मूला आपको मिलेगा। रखिए p is equal to p0 plus rho into x2 की जगह कितना रखना है हम लोग को, h minus 0 into g, तो p का फॉर्मूला मिलेगा p0 plus h rho g। हम लोग ने देखा था h rho g इसके पहले, लेकिन विदाउट कंसीडरिंग एयर का इफेक्ट, अगर एयर का इफेक्ट कंसीडर करेंगे तो प्रेशर का किसी भी डेप्थ d पे फॉर्मूला होता है p0 plus h rho g, h rho g plus what is p0, p0 it's atmospheric pressure। अच्छा मान लीजिए अब मुझे एयर का अगर प्रेशर निकालना है किसी भी हाइट पे, सरफेस पे ऊपर किसी भी हाइट पे अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो देखिए डायग्राम क्या बनेगा। देखिए अगर ये ले लिया मैंने आपका लिक्विड कॉलम, ये इमेजिनरी सिलेंडर हम लोग ने ऊपर कंसीडर कर लिया, क्लियर, यहां पे प्रेशर क्या हम लोग का P1 था, अब यहां पे हो जाएगा ये एयर का प्रेशर, दैट इज P0, एयर का प्रेशर, मान लेते हैं हम लोग का यहां पे प्रेशर P0 है, P2 इज इक्वल टू P है, P2 इज इक्वल टू P हम लोग ने कंसीडर कर लिया। अगर किसी भी हाइट पे अगर हम लोग को प्रेशर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये P है, यहां पे प्रेशर जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा प्रेशर कम होते जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, P1 is equal to P, P2 is equal to P of air on the surface, इसकी हाइट कितनी कंसीडर कर लिया हम लोग ने, मान लिया हाइट h है, ठीक है। यहां पे x1 का वैल्यू कितना होगा बेटा, h होगा, x2 का वैल्यू ऑन द सरफेस है 0 होगा, अभी भी लिक्विड की डेंसिटी रो ही है। अच्छा तो हम लोग क्या पुट करेंगे, x2 is equal to 0, x1 is equal to h, x1 is equal to h, अच्छा h की माइनस h, लिक्विड सरफेस के अंदर की तरफ हम लोग ने प्लस किया तो ऊपर की तरफ क्या लेंगे, माइनस h, व्हाट इज योर p2, इट इज नथिंग बट p air, एंड व्हाट इज योर p1, p1 कितना रहेंगे, P1 कितना हो जाएगा, that is P, values put up करो, values put up करने पे क्या मिलेगा, P air is equal to, नहीं height के ऊपर ही जा रहा है ना, तो height के ऊपर हम लोग plus ही लेते हैं, P air is equal to P plus, कितना हो जाएगा आगे, rho into x2 minus x1, x2 कितना है आपका 0, minus x1 कितना है आपका h, into क्या हो जाएगा, g, right, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देखने जाऊं तो व्हाट विल बी योर p ऑफ एयर, p ऑफ एयर इज इक्वल टू p plus h rho g विद नेगेटिव साइन, p ऑफ एयर, तो ये हम लोग का फार्मूला बनेगा किसी भी पॉइंट पे अगर प्रेशर निकालना है, p2 इज इक्वल टू p0 x2 के क्या, p2 इक्वल टू p0 h p1 x1 इज इक्वल टू h, x1 इज इक्वल टू h, x2 इज इक्वल टू 0 राइट है, P2, P of air, P1, that is pressure, और अभाव निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे density ये इसकी लेंगे, that is air की density, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर consider कर रहे हैं, तो ये formula यहाँ पे थोड़ा सा changes आएगा, देखिए, ये height के ऊपर consider कर रहे हैं, तो height के ऊपर consider करने पे h2 कितना मिला आपको, 0, x1 कितना मिला आपको, h, x2 कितना मिला आपको, 0, x1 कितना मिला आपको, h, ओके, अच्छा, ये जो p1 होगा, ये जो p1 होगा, that we will consider as p, और ये जो p2 होगा, that we will consider as p0, that is atmospheric pressure, अब ये सब values अगर उसमें रखेंगे, और जो density होगी, वो density air के लेंगे, पहले हम लोग ये liquid में ना, तो liquid की ले लेते, अब ये ऊपर चला गया, तो ये सब चीजें अगर put up करेंगे, formula में तो मिलेगा, p0 is equal to p, plus rho into h into g, so your p will be equal to p0 minus h rho, rho of what, air into g, so this is your perfect formula to find pressure at height h, देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, last में confused हो गए,
ये सिलेंडर पहले अंदर था तो उसकी डेंसिटी क्या थी, लिक्विड की, लेकिन अब यही सिलेंडर ऊपर चला गया तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, लिक्विड की नहीं बेटा, एयर की। ओके, तो एक्स टू क्या है ऑन द सर्फेस, जीरो। एक्स वन क्या है, एच। एक्स वन एच हाइट पे है। पी वन क्या है, इट्स अ प्रेशर ऑन द टॉप सर्फेस। पी टू क्या है, इट्स अ प्रेशर ऑन द लोअर सर्फेस। और लोअर सर्फेस कहां पे है, सर्फेस पे है। अगर सर्फेस पे तो वहां पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज पी नॉट। अच्छा कितने लोग सोच रहे सर यहाँ भी एयर है तो यहाँ भी एयर है ना, तो दोनों जगह पी नॉट ही होना चाहिए, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रेशर ऑन द सर्फेस अगर पी नॉट है तो प्रेशर जैसे जैसे लिक्विड सर्फेस के ऊपर जाएंगे कुछ तो चेंजेस आएगा ना, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज वी मूव अबव इट विल डिक्रीजेस, तो प्रेशर में चेंजेस आना चाहिए। तो वही मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पी टू और डेंसिटी सी कितनी लेंगे, एयर की। ये सब पैरामीटर आप उसमें रखिए, क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस पी प्लस रो इंटू एच इंटू जी विद पॉजिटिव साइन, इसको यहां ले लिया तो हम लोग को प्रेशर मिल गया कहां पे, एट दिस पॉइंट। प्रेशर एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एच रो जी, रो ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। तो ये हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं समझ में आया, आप वीडियो लेक्चर में वापस से जाइए और उसको वापस से देखिए, क्योंकि ये सबसे बेसिक लेक्चर है और इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आगे वाले जो टर्म्स होंगे वो कुछ ना कुछ इस पे डिपेंड होंगे, इस फॉर्मूले पे डिपेंड होंगे। आपको अगर इस चैप्टर का नोट्स चाहिए या फिर इस चैप्टर से कोई भी क्वेरी, तो आप मेरे इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को मैं जरूर सॉल्व करूंगा। और नोट्स के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उसको बेल आइकन को दबाएं, ताकि इस लेक्चर से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको वीडियोस लेक्चर्स में डालता रहूं, आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।